गाइस, वेलकम टू चैनल द सनलेस। और आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ उसका टॉपिक है कि आपके पर्सन के फीलिंग्स आपके लिए क्यों है। सो यही देखेंगे इन दिस रीडिंग टुडे। एंड मैं कुछ मैसेजेस लूँगी आपके पर्सन की तरफ से, सो डैट आपको पता चल जाए उनकी मैसेजेस क्या मैसेजेस हैं उनके आपके लिए। और आज मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स देखूंगी कि आपके जो पर्सन है उनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है। सो ओके, वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपके जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा किसी चीज़ में सोच विचार कर रहे हैं। एक मैं कहूँगी आपके जो पर्सन है ना, किसी ऐसी चीज़ के किसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डीप थिंकिंग में है इस वक्त। वो एक गंभीरता से सोच रहे हैं, दिन रात सोच रहे हैं, बहुत सारी एनर्जी वाओ, इट्स द मैजिशियन की एनर्जी मिल रही है हमें। लास्ट में आपके जो पर्सन है वो किसी चीज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगी गंभीरता से सोच रहे हैं, डीपली ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, दिन रात सोच रहे हैं, सोच कर एक मैं कहूँगी काफ़ी ज़्यादा उन्हें हो सकता है हेडेक की प्रॉब्लम हो रही हो। टू एनर्जीज हमें यहाँ पे ऐसी मिल रही है कि आपके जो पर्सन है ना वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि शायद आपके जो रिलेशनशिप में इस वक्त जो डिस्टर्बेंस आ रहा है या फिर पास्ट में मैं कहूँगी इनसे जो भी मिस्टेक्स हुई हैं वो उन्हें इनका रियलाइज़ हो रहा है, रियलाइज़ कर रहे हैं अपनी पास्ट की मिस्टेक्स को, रिग्रेट की फीलिंग में है, एक सॉरी फीलिंग में है, बहुत ही ज़्यादा उदास है इस वक्त। लाइक इनका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है, उन्हें कुछ सोच मैं कहूँगी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हो रहे हैं आप इन्हें आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अपनी लाइफ में भी मैं कहूँगी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। लाइक अपनी पास्ट की लाइफ में अगर बात करूँ तो ये वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि पास्ट की लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो आपकी और इनकी जो रिलेशनशिप था काफ़ी ज़्यादा मुझे लवली ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे मोमेंट्स को स्पेंड करते थे, एक बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी मैं कहूँगी गुड लाइफ थी आपके पास में, गॉड का ब्लेस था, डिवाइन का ब्लेस था, काफ़ी ज़्यादा आप लोग अच्छे अच्छे मोमेंट्स को स्पेंड करते थे। एक बहुत मैं कहूँगी लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक आप लोग शायद बातें करते थे, अपने एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे, मे बी शायद फाइनेंशियली भी हेल्प करते थे, किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत होती थी तो हेल्प करते थे। और आप लोग की जो फीलिंग्स थी एक दूसरे के लिए, दोनों की ही फीलिंग्स मैं कहूँगी ट्रू थी एक दूसरे के लिए, बट एक सडन टर्निंग पॉइंट आया आपके रिलेशनशिप में, जो एक सडन टर्निंग पॉइंट था, एक अचानक से मे बी विदाउट एनी रीज़न भी हो सकता है, या फिर हो सकता है आप लोग के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट्स हुई हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हो, या फिर आप लोग के बीच में एक मैं कहूँगी अंडरस्टैंडिंग्स की कमी हो गई थी, जिस वजह से आप लोग के बीच में कुछ मुझे डिस्टर्बेंस नज़र आया। लाइक आप लोग का जो रिलेशनशिप था वो काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगी स्ट्रगल कर रहा था, फाइव ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड की एनर्जी या एक ऐसी एनर्जी में आ गए थे आप लोग, जो आपका रिलेशनशिप जो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छे वे पे जा रहा था वो सडनली एक मैं कहूँगी किसी ऐसी सिचुएशन से उसने डील किया, जो आपका जो रिलेशनशिप था वो उतने अच्छी तरीके से अब वर्क वेल नहीं कर रहा है जितने वो स्टार्टिंग में कर रहा था। हो सकता है किसी थर्ड पर्सन की वजह से ऐसा हुआ, कोई थर्ड पर्सन जिसने मे बी विदाउट एनी रीज़न, कोई एक ऐसा पर्सन जिसका यही इंटेंशन था कि आपका रिलेशनशिप को डिस्टर्ब करे, एक क्लेवर पर्सन की मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है। बहुत ही ज़्यादा कोई ऐसा मुझे थर्ड पर्सन दिखाई दे रहा है, क्लेवर पर्सन जिसने विदाउट एनी रीज़न सिर्फ अपने ही किसी मकसद के लिए आपके जो रिलेशनशिप है उसे डिस्टर्ब कर दिया, जब उस टाइम पर डिस्टर्ब किया जब वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोग अपने एक मोमेंट्स को स्पेंड कर रहे थे, एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तरफ मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे। बट अब आपके जो पर्सन है उस टाइम पर हो सकता है आपके पर्सन भी मिसगाइड हो गए हों, मिसअंडरस्टूड हो गए हों, या फिर उनकी बातों में आ गए हो, बट अब आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, किसी थर्ड पर्सन की बातों में नहीं आना चाहिए था, अपनी मैच्योरिटी लेवल से जाकर सोचना चाहिए था, चीज़ को समझना चाहिए था। और इस तरीके से आपके जो पर्सन है वो रिग्रेट की फीलिंग में आ रहे हैं। एक आपके पर्सन भी इस वक्त ऐसी सिचुएशन में है कि जो थर्ड पर्सन है, जो भी वो थर्ड पर्सन है, उन्होंने इनके ऊपर एक कंट्रोल बना के रखा हुआ है, मैं कहूँगी एक फोर्स, एक प्रेशर बना के रखा हुआ है, जिससे इंडिपेंडेंट नहीं है अपने डिसीजन लेने के लिए। हर वक्त हो सकता है वो जो पर्सन इन्हें फोर्स करता हो कि अब आपको ऐसा करना चाहिए, अब आपको ऐसा करना चाहिए, और जिस वजह से आपके जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा अलोन फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं, उदास फील कर रहे हैं। और उस वक्त में सबसे ज़्यादा ये जो इन्हें मिस कर रहे हैं वो आप हैं, आपकी इन्हें बहुत ज़्यादा याद आती है, ये आपको मिस करते हैं, आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, बिकॉज पास्ट में आप लोग मे भी एक दूसरे से छोटी छोटी बड़ी बड़ी सारी ही बातों को
शायद आप लोग एक दूसरे से डिस्कस किया करते थे, बट अब एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि आप लोग एक ब्लॉक कम्युनिकेशन में हो गए। हो सकता है आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया हो, एक दूसरे के फोन्स को आप लोग रिसीव नहीं कर रहे हो, दूरियां आ गई हैं आप लोगों के बीच में, जिस वजह से आप अपनी फीलिंग्स को भी आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं। करना तो आप जो फीलिंग्स अंदर शेयर करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। बट अब मैं आपके कहूँगी रिलेशनशिप में अगेन एक ऐसा फेज ऑफ टाइम आने वाला है, बिकॉज मैं कहूँगी जो पिछली बार आपके रिलेशनशिप में टर्निंग पॉइंट आया था वो एक ऐसा टाइम लेके आया जो आप लोग के बीच में दूरियाँ आ गई, बट अब जो टर्निंग पॉइंट एक चेंज आने वाला है टाइम में, आपके जो रिलेशनशिप है उसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वरीज हैं, उन्हें रिमूव करने के लिए आ रहा है। लाइक डेथ की कार्ड की एनर्जी है, एक न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके रिलेशनशिप में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग के रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस आ गया था, आर्ग्यूमेंट्स हो गई थी, तो अब वो सब रिमूव होने वाली है। बल्कि मैं कहूँगी आपके जो पर्सन हैं वो भी सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज थर्ड पर्सन से हो सकता है उनकी इस वक्त आर्ग्यूमेंट हो रही हो, वो खुद से रिग्रेट की फीलिंग में है, आके आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। और उनकी जो अगर मैं फीलिंग्स की बात करूँ तो आज भी बहुत ज़्यादा ट्रू हैं, उतनी ही ट्रू हैं जितनी वो स्टार्टिंग में ट्रू थी। एंड एक मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा आपके पर्सन है इस वक्त एक ऐसी फीलिंग में है कि अब वो आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, बिकॉज अब वो समझ चुके हैं एक अब काफ़ी सारी चीज़ों का आपका जो पर्सन है वो समझना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। पहले हो सकता है अपनी मैच्योरिटी लेवल से वो चीज़ों को नहीं समझ पाते थे, बट अब वो आपको वैल्यू दे रहे हैं, अब वो आपको समझ रहे हैं कि आप ठीक थे या फिर क्या सही है क्या गलत है। इस चीज़ को आपके जो पर्सन है बहुत ही अच्छी तरीके से मुझे समझते हुए दिखाई दे रहे हैं। रियलिटी से मैं कहूँगी अब वो अच्छी तरीके से समझ चुके हैं वॉट इज़ द रियलिटी। सो अब वो किसी भी तरीके से कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं, आपकी लाइफ में आपके पास वापस आना चाहते हैं। एंड काफ़ी हद तक मैं कहूँगी आपके जो पर्सन हैं इस चीज़ में सक्सेसफुल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। नाइट ऑफ वैंस की कार्ड की एनर्जी है, आपकी लाइफ में आने के लिए वो टोटली रेडी हो चुके हैं कि वो वापस से आएंगे, आपको मनाएंगे, और मे भी हो सकता है ऐसा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनकी बातों को सुनोगे, समझोगे और फिर से आप लोग का जो रिलेशनशिप है वो पहले की तरह बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बन जाएगा, पहले की तरह ही अच्छी तरीके से वर्क वेल करने लगेगा। द मैजिशियन की कार्ड की भी एनर्जी है, आपकी लाइफ में मैं कह सकती हूँ बहुत जल्द ही मैजिक होने वाला है, कि आपको बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगी गॉड का ब्लेस है। जो चीज़ें आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करी होंगी कभी कि आपके साथ ऐसा भी हो सकता है, लाइक मैं कहूँगी बहुत ही ज़्यादा वो पॉजिटिव होगा ऑब्वियसली, जो चीज़ें आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करोगी, बट क्योंकि आप डिजर्व करते हो गॉड वो आपको ज़रूर देने वाले हैं। एंड बहुत जल्द ऐसा होगा कि आप जो कुछ भी चाहते थे अपने रिलेशनशिप में, जो कुछ भी चाहते थे अपने पर्सन की तरफ से, कमिटमेंट चाहते थे, मैरिज चाहते थे, जो कुछ भी आप चाहते थे आपके पर्सन अब वो आपके पास लेके आने वाले हैं। बहुत जल्द आपके जो पर्सन है वो कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ आपको देने वाले हैं जिससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाओगे, आप हैप्पी हो जाओगे, और बहुत ज़्यादा आपका जो मैं कहूँगी टाइम है जितना पहले सुंदर था, जितना पहले ब्यूटीफुल था, पास्ट की तरह ही आपका जो फ्यूचर है वो भी ब्यूटीफुल हो जाएगा। सो आपकी ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं। और अगर मैं आपके पर्सन की बात करूँ कि उनकी क्या फीलिंग्स है, सो मैं वन कार्ड लूँगी आपके पर्सन की फीलिंग्स के लिए, क्या उनकी जो फीलिंग्स हैं वो आपके लिए ट्रू हैं। ओनली वन, ओके, आई विल टेक सम कार्ड्स, मैं कुछ कार्ड्स लूँगी आपके पर्सन की फीलिंग के लिए, क्या उनकी जो फीलिंग है आपके लिए वो ट्रू फीलिंग्स हैं। सो लेट्स सी आपके जो पर्सन की फीलिंग्स हैं, इट्स द लवर्स की कार्ड की एनर्जी है। वाओ, इट्स वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, बहुत ही ज़्यादा लविंग ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है। द लवर्स की कार्ड की एनर्जी मिल रही है, एंड द लवर्स की कार्ड की एनर्जी के बाद आई होप आपको एक्सप्लेन करने की भी नहीं पड़ेगी कितनी ज़्यादा ट्रू लविंग एंड केयरिंग एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए आ रही है। कितना ज़्यादा मैं कहूँगी वो आपको लव करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, आपकी केयरिंग करना चाहते हैं, आपको सेफ रखना चाहते हैं। आपकी जो पर्सन की जो फीलिंग्स आ रही हैं आपके लिए वो टोटली ट्रू आ रही है। विद द लवर्स का कार्ड एंड गॉड का ब्लेस मुझे दिखाई दे रहा है इस कार्ड में आपके लिए, आप दोनों के लिए ही गॉड का ब्लेस मुझे दिखाई दे रहा है, एंड एक सुंदर फ्यूचर मुझे दिखाई दे रहा है आप लोग के रिलेशनशिप के लिए। सो आई होप आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई हो। अब मैं कुछ मैसेजेस लूँगी, taking some messages for your relationship. Two messages लूँगी मैं, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, सो आई एम जस्ट लिविंग विद योर लवली मेमोरीज। तो आपको जो पर्सन का जो मैसेज है वो ये है कि अब बस वो आपकी मेमोरीज के सहारे
रह रहे हैं, आपकी जो लवली लवली मेमोरीज थी, पास्ट मेमोरीज थी, उन्हीं को याद करते रहते हैं। एंड जो सेकंड मैसेज है वो हमारे पास में है, समवन इज़ वेटिंग फॉर यू इन योर लाइफ, यानी कि आपके जो पर्सन है वो अपनी लाइफ में आपका वेट कर रहे हैं। सो आई होप आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई हो। अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड टिल द टाइम टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।